नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए चलते अपनी नई वीडियो की तरफ। तो आज का देखिए हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि कैसे अपने पौधों को कीड़ों से बचाएं हम विदाउट एनी केमिकल, है ना, बिना ही किसी केमिकल को यूज़ किए हुए कैसे अपने पौधों को हम कीड़ों से बचाएं। ये देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको कीड़े दिखाती हूँ। सबसे पहले तो कीड़े लग गए इस पर, मेरे पौधे पर कनेर है ये मेरा। और ये देखिए आप, अगर आप देख दिखाई दे रहा है तो ये देखिए, ये जो है ये है ना, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो है, ये सब जो है कीड़े लग गए हैं। इस तरह से कई सारी जगह इस पर कुछ तो मैंने हटा भी दिए थे, ये देखिए ये। और भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए जी, ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये है ना, ये सब कीड़े हैं। और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे अपने पौधों की ढंग से देख रेख किए हुए, तो फिर मुझे पता ही नहीं चला कब इसमें, तो एकदम से जब मैं पानी देने लगी तो मैंने देखा कि पौधों पर तो भैया कीड़ों का अटैक हो चुका है ना। और इस वाले कनेर पे भी, ये दूसरा मेरा पीला कनेर है, इस पे भी ये जो कीड़े हैं लग चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इनका इलाज किया जाए, कीड़ों का कैसे भगाया जाए इनको अपने पौधों से। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं, आइए देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो क्या कर रहा है हमें कि जो ये लगे हुए हैं ये कीड़े, इनको पहले आप किसी भी ऐसे ब्रश की हेल्प से हटा दीजिए। ये देखिए, ब्रश की हेल्प से आप इसको हटा देंगे, इजीली ये जो हट जाएंगे जहाँ जहाँ पर भी लगे हुए हैं। अब आपने हटा दिया, हटाने के बाद ये देखिए, ये है हल्दी और दालचीनी पाउडर का मिश्रण, ठीक है। तो आधी चम्मच मैंने, आधा आधा मिला लीजिए आपको, आधा दालचीनी और आधा जो है हल्दी पाउडर। तो ये दोनों ही जो है हमारा एंटीफंगल होते हैं, तो ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सबको हमारे हटाने का काम करेंगे। और आप जानती हैं दालचीनी की स्मेल आपने देखी है कितनी तेज़ होती है, तो वो जो है एकदम से जो है वर्क करेगी। तो यहाँ से हमने हटाया, जहाँ से हम हटाते जाएंगे वहीं पर हम इस पाउडर को जो है लगाते जाएंगे अच्छे से ब्रश की हेल्प से। देखिए ऐसे आप ब्रश में लीजिए और इसके इस वाले पार्ट पे अच्छे से रगड़ दीजिए। और उसके बाद आपको दोस्तों पानी नहीं देना है, ठीक है, इसको जो है आप पूरी रात लगा रहने देंगे। अगर पौधा आपका, आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है तो भी आप नीचे सिर्फ जड़ में दीजिएगा पानी, इसके जो है पत्तियों पर पानी नहीं दीजिएगा। और जो है पूरी रात इसमें इस मिश्रण को जो है आप अच्छे से लगे रहने दीजिएगा, ठीक है। बाकी भी जो है देखिए, इन सबको भी हम ऐसे करके हटा लेंगे। और जहाँ से भी आप हटाते जाएंगे वहाँ से साथ साथ आपको ये जो पाउडर है ये अपना लगाते जाना है। और आप अगर चाहें तो इसमें हल्का सा पानी मिला के इसको एक पेस्ट भी बना सकते हैं, है ना। आप थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और फिर आप इसको लगा दीजिए। और जो है पूरी रात आप इसको अपने पौधे पर लगा रहने दीजिए, तो जो है दालचीनी और हल्दी अपना अच्छा असर दिखाएगी। और अगले दिन सुबह आप इस पे जो है शावरिंग कर दीजिए, है ना, अपने पानी लेके और स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। तो काफ़ी हद तक आपको इससे, मतलब काफ़ी हद तक क्या देखिए, सारे कीड़े तो आपने हटा ही दिए, इसके बाद ये मिश्रण लगा दिया, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सोडा मिलाना है, खाने का सोडा जो हम यूज़ करते हैं, और 1 चम्मच सरसों का तेल, और 3 से 4 बूंदे जो हैं अपने लिक्विड जो हैंड वॉश होता है हमारा, वो उसको अच्छे से मिक्स करके वो आपको पूरे पौधे पे, इसकी स्टेम पे, इसकी लीव्स पे, है ना, अच्छे तरह से, मतलब पूरे को, पूरे पौधे को अपने नहला देना उस लिक्विड से। तो वो जो है हमारा अच्छा काम करेगा पौधे पे, फिर आगे कीड़े भी लगने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और ये जो मिश्रण है आप अपने 1-2 महीने में लगाते रहिए, इससे क्या है कि पौधों में कीड़े लगेंगे ही नहीं, है ना, तो आपको फिर ये समस्या नहीं आएगी। तो आप भी अपने जो है पौधे पे ये अपना कर देखिए। और देखिए बिना किसी केमिकल के हम अपने पौधे से जो है कीड़ों को हटा लेंगे, जब बिना केमिकल के हमारा काम हो सकता है तो फिर केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके भी पौधों पर कीड़े लगे हैं तो आप ये चीज़ जो है ज़रूर अपनाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।